रिंग रोड पर हाजी की आवाज चैनल से बोल रहा हूँ राजीव बंसल। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कुछ यहाँ के दुकानदार हैं भगत सिंह रोड के। पिछले दिनों यहाँ चोरी हुई थी 8 लाख की विक्की मोबाइल सेंटर से। इनका कहना है कि इतने दिन हो गए और 11 फोन जो है ऑनलाइन भी हैं और चालू भी हैं और उसके बावजूद भी यानी कि कोई चोरी बरामद नहीं हो रही है। शहर के अंदर दिन रात चोरियां बढ़ रही हैं। इनका कहना है कि चोरी की वारदात बार बार होती है और पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। बराबर पुलिस अधिकारी इनको आश्वासन देकर चले जाते हैं और आगे नतीजा 0 निकलता है, 0 निकलता है। सारे दुकानदार आज भगत सिंह रोड के जितने भी मोबाइल यानी कि जो सेंटर चलाते हैं उनके मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं। देखिए सामने बिल्कुल दिख रहा है कि धरना प्रदर्शन भगत सिंह रोड मार्केट और मोबाइल मार्केट बंद है। विक्की मोबाइल पर हुई चोरी के खिलाफ यानी कि ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी चोरी बरामद की हुई है, चोरियों पे अंकुश लगा दी है। मेरे साथ खड़े हैं अनिल मलिक जी। अनिल मलिक नाम होगा आपका, मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान हैं। तो क्या वारदात हुई और क्या आपके मामले जरा विस्तार से बताइएगा। 20 तारीख को चोरी हुई थी विक्की मोबाइल पे, यहाँ से कुछ कदमों की दूरी भी है जी जी जी। वहाँ से हमारा 7 से 8 लाख की मोबाइल चोरी करके लेके सारे स्मार्टफोन। हाँ जी ठीक है। और ये मान लो 6-7 दिन हो चुके हैं जी जी जी, आज तक कोई भी रिकवरी या कोई भी ऐसा सेटिस्फिकेशन बड़े अधिकारी की तरफ से नहीं मिला कि आपकी चोरी बरामद हो जाएगी। हम जा रहे हैं बैक टू बैक, जा रहे हैं SP ऑफिस साइबर, वो कह रहे हैं प्रोसेस चल रही है, स्पेशल टीमें लगाई हुई है, लेकिन कहीं से भी अब तक हमको एक क्लू नहीं मिला। तो इसके बाद हमारे समाज के कुछ पदाधिकारी, व्यापारी के व्यापार मंडल और सभी एसोसिएशनों के प्रधान का हुआ है कि एक बार मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं। इस चक्कर में हमने कल किया कि भगत सिंह रोड पूरा अपना एक दिन के लिए वर्क सस्पेंड रखेगा और यहाँ पे बैठ के सभी व्यापार मंडल के सदस्य आए हुए हैं, सभी एसोसिएशन के प्रधान आए हुए हैं, यहाँ पे मिल बैठ के एक सहमति से वो निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। अब तक हमें ये नहीं पता कि लूज स्पेस कहाँ पे है, लूज स्पेस कहाँ पर है। 3-4 दिन से मोबाइल भी एक्टिवेट हो चुके हैं जो कंपनी के प्रोफाइल में आ चुके हैं, लेकिन साइबर के प्रोसेस में क्यों नहीं है। आप SP से मिले? SP से मिले, हम DSP साहब से भी मिले, साइबर से भी मिले। तो क्या कहना है उनका? हर जगह से एक ही जवाब है, बढ़िया ढंग से लगे हुए, स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं केस को। लेकिन पीछे के केस तो में हो गया कि हर बार बोल दिया जाता था कि जल्दबाजी की, अब एक हफ्ते का टाइम भी दिया जा चुका है और मोबाइल का जो एक प्रोसेस है कंपनी का एक्टिवेशन का वो भी सामने आ चुका है। उसके बाद भी कुछ जो साइबर के पास अथॉरिटी होती है कौन सा सिम डला या किस IP एड्रेस से एक्टिवेट हुई वो सिर्फ साइबर वाले जानते हैं। वहाँ से क्यों नहीं, क्यों आउटपुट कोई क्लू निकल के नहीं आ रहा वो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो आपको बता नहीं रहे हैं या उनसे क्लू नहीं निकल पा रहा? वो ही जानते हैं जिस बात को, हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, वो ये बोलते लगे हुए पीछे। तो आपके ये साथी लोग आज यहाँ बैठे हैं, एक दिन का टोकन धरना है? ये एक दिन का टोकन नहीं सर, अब एक सलाह मशवरा होगा। यहाँ पे व्यापारिक सेंटरों में प्रधान जी सब बैठे हैं, अब यहाँ पे राय होगी। एक आज शाम तक कुछ नहीं निकलता तो हम तो पूरा दिन के लिए बैठे हैं आज की। अब एक डिस्कशन ये होगा कि पूरा 80 के सब व्यापारी संगठन एक और बढ़ा के रखेंगे, वो 2 दिन बाद बढ़ाना है या परसों बढ़ाना है या कल बढ़ाना है, ये रणनीति तय की जाएगी। चोरियां और जितनी भी चोरियां हुई है मोबाइल वाली के अलावा, मैं यही चाहूंगा जो भी दुकानदार भाई आ जाए एक लिस्ट बनाते हैं कितना % चोरियां रिकवरी हो रही है और बढ़िया ढंग से पैरवी करनी है जी। इसके लिए चाहे जिस भी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़े वो नीति के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये है अनिल मलिक मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान। इनका कहना है कि साइबर वाले भी उन्हें कोई क्लू नहीं दे रहे और किस आउटपुट पर पहुंचे हैं। बार बार मोबाइल की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और फोन की यानी कि ऑन होने के बावजूद भी यानी कि साइबर क्राइम के पास उनकी क्लू नहीं निकल पा रहा है। इनके लिए बार बार ये त्रस्त हैं ये जितने भी दुकानदार हैं। आप देख रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ कि सारी दुकानें बंद पड़ी हैं यहाँ और इनके चेहरों के भी देख सकते हैं कि कितना तनाव है, क्योंकि एक व्यापारी का जब सब कुछ रुक जाता है, चोरी हो जाती है, उसके बावजूद कुछ भी बरामद नहीं होता, पुलिस नहीं बरामद करती, तो लिहाजा रोष या आक्रोश होना तो स्वाभाविक ही है। आप देखिएगा ये सभी दुकानदार यहाँ बैठे हैं, कितना इनके चेहरे लटके हुए हैं और इनके चेहरे पे तनाव आपको साफ नज़र आएगा, आक्रोश साफ नज़र आएगा कि एक व्यापारी का जब 10 लाख का सामान लूट जाता है और 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचती तो ये कैसी स्थिति होगी। आइए जानते हैं कि सर्व व्यापार मंडल के यहाँ प्रधान बैठे हैं, एक
चुनाव के प्रत्याशी भी यहाँ रहे हैं, जसपा नेता हैं, शहरी प्रधान हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि शहर में बढ़ती हुई चोरियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा और क्या थे। मिलते हैं बजरंग दरक के साथ सर्व व्यापार मंडल के प्रधान के बजरंग दरक के साथ, जो इस धरने को पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। जब भी व्यापारियों के ऊपर कोई गाज गिरती है तो व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा होता है। आइए इनसे जानते हैं कि 7 दिन फिर जाने के बाद विवेक की मोबाइल गैलरी पर जो 8-10 लाख की चोरी हुई है अभी तक बरामद नहीं हुई है, या साइबर ने कोई क्लू नहीं निकाला है, इसके पीछे क्या लगता है आपका? ये पुलिस प्रशासन की कमजोरी है। पूरी इसमें जो है जितनी चोरी हुई है कोई चोरी बरामद नहीं हो रही है। अच्छा, बिल्कुल भ्रष्ट प्रशासन है यहाँ पुलिस प्रशासन। राहुल मुखर्जी भी खड़े हैं, बेड़ा साहब से भी बात हुई है, इनको आसी से इनको खो देना चाहिए पुलिस प्रशासन। जो प्रशासन यहाँ पहले से बैठा है निकम्मा और हो चुका है, सैकड़ों चोरी हो चुकी, कोई चोरी बरामद नहीं हो रही। आपकी लिहाजा एसपी साहब से मुलाकात हुई? एसपी साहब से मिले थे हम मंडल के साथी, उन्होंने बताया था कि हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। 4-5 दिन पहले हम मिले थे, पूरा शिष्टमंडल मिला था व्यापार मंडल का। अब ये क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि आज दिन एक दिन का टोकन धरना है, उसके बावजूद उसके बाद व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाएंगे सर। व्यापार मंडल की मीटिंग बुला के सब व्यापारियों का जो फैसला होगा, व्यापारियों को कंसोल करने के लिए यहाँ कोई पहुंचा है क्या पुलिस अधिकारी? आ रहे हैं हमारे हैं जो आए थे, अभी एसपी साहब और साइबर सेल वाले आ रहे हैं। मैं मेरे साथ खड़े हैं वीडियो कॉन के मालिक, क्या नाम नरेंद्र नागपाल जी, उनसे जानते हैं कि आपकी दुकान पे भी पहले एक बार ऐसा हुआ और इस मार्केट को लेके, यानी कि जब यहाँ बिल्कुल बदहाली थी जब भी आप लोगों ने दुकान बंद की थी, अब बदहाली के बाद अब यहाँ चोरियाँ होनी शुरू हो गई हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि इस मार्केट के अंदर जितनी भी चोरी हुई है कोई भी रिकवरी आज तक नहीं हुई है। आज से एक महीना पहले की बात लें तो यहाँ पे 10-12 ताले टूटे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिकवरी नहीं हुई। पर लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं और इसको प्रशासन को चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और हम लोगों ने यहाँ चौकीदार भी रखा हुआ जो पूरी रात ड्यूटी देता है, देने के बावजूद भी वो लोग इतने सिस्टम से चोरी करके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन पुलिस मौके पर यहाँ कहीं भी नहीं होती, कोई गश्त नहीं होती यहाँ। मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारे राहुल मक्कड़ जी से, जिनकी जजपा सरकार अभी पार्टी में है, सत्ता में है और यहाँ के प्रत्याशी भी रहे हैं। तो आम आदमी, आम दुकानदार का ये हाल होगा, चोरी होने के बाद 7-7 दिन तक रिकवरी नहीं होती है, मोबाइल फोन होते हैं, तो क्या मैसेज आएगा आपको? प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? है, प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अब और सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है, आगे आगे धुंध भी पड़ेगी, मैं तो प्रशासन से ही उम्मीद और ये डिमांड करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ कि अपना चौकन्ना होकर के और कार्रवाई करें और जो चोरी हुई है इसे जल्द से जल्द बरामद करने का काम करें। और मैं दुष्यंत जी के संज्ञान में लाने का भी काम करूँगा। जिस प्रकार इतने दिनों के बाद भी आज चोरी पकड़ी नहीं गई है, तो ये मैं दुष्यंत जी के भी संज्ञान में लाने का काम करूँगा ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई। ये थे राहुल मक्कर जी और सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग गर्ग जी। नहीं, इसमें जो है अभी आ जाए कुछ टेक्निकली बात मानी, और हमारे को हमने आपसे एक प्रार्थना की थी, अब हमारे को थोड़ा समय मैं मानता हूँ, ये हुई है जो ये वारदातें हुई है, बड़ा खेद है इस चीज का, बट पुलिस पूर्ण रूप से हमारी CIAB और हमारा जो स्पेशल स्टाफ है, हमारा जो थेफ्ट का स्पेशल स्टाफ है वो भी लगा दिया है। अब मैं दो आपको 3 दिन पहले ये हमारे मोबाइल, इसके बच्चे भी हैं बड़े भी में मारे, ये 11 मोबाइल एक्टिवेट हो चुके हैं, कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है हमारे, और प्राइवेट आदमी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकता। वहाँ साइबर सेल को सूचित कर दिया भाई 11 मोबाइल एक्टिव हो चुके हैं। वो जो भाई है विकी, कहाँ है विकी? विकी भाई केवल है, विकी केवल विकी गया था, आज भाई भी गए थे, हम गए थे वहाँ जाकर के वो करा था, लेकिन हमने जो ये जो है ना आप एक्टिवेट कर रहे हैं, आप कंपनी की तरफ से वो कर रहे हो कि मैं एक्टिवेट है, वो इसमें कोई भी एक्टिवेट वाली बात नहीं है। अभी जो उसमें कोई सिस्टम है तुम्हारा निकाल के अगर नहीं कंपनियों का एक एक्टिवेशन होता है, एक अकाउंट क्रिएट वो हुआ होगा, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, जो टेक्निकल है और जो टेक्निकली है। आज मैंने अपना CIA SHO जो मतलब सिटी है और
जो हमारी थेफ्ट की अलग से जो हमारी टीम है, हमने उसको पूरी को इकट्ठा करके हमने इसके ऊपर पूरा मंथन किया। कौन नहीं चाहता? अगर इसमें रिकवरी हम जल्दी से रिकवरी होती है हमारी, तो हमारी ही पुलिस की वाह वाह होती है। इसके अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमें पुलिस ने काम किया और हम इसमें जी जान से लगे हुए। अब साइबर सेल को जो हमने किया था उसके ऊपर मंथन करने के लिए, काम करने के लिए मैंने उसको छोड़ा था और वो अभी आ जाता, आपको बताए भी का। वो जो बातचीत चली थी कि भाई 11 किए कि भाई 11 एक्टिवेट हो चुके हैं, अब कंपनी ने बताया है। क्या बता रहा है भाई, वो कहाँ आ गया? दो मिनट में आ गया। अरे कोई बात नहीं। तो उस चीज को हम एक और अलग जो मतलब कि अनुसंधान का अपना तरीका अपना सिस्टम है, हम दिल्ली से भी लगे हुए हैं, दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं कराची से, और ये एक जांच का विषय है। हम जो बस बुस के पीछे जो लगे हुए हैं, जो लड़के आए थे ना 3:20 पे 58 का, वो तो यहाँ का जो वहाँ से आए होंगे जो पीछे उसमें जांच का विषय, ये मतलब एक ओपन करने वाली बात है। वो तो डीएसपी साहब मैं बताऊँ, जो जनरली आम तौर पे पब्लिक समझती है ना, ये समझती है कि मोबाइल की चोरी बरामद करना सबसे आसान, क्योंकि आइडेंटिफाइड चोरी होती है, मोबाइल ने एक्टिवेट होना ही होना है। हमने सुनो, पूरी आसी को हमने छोड़ा नहीं है, बस स्टैंड के और वहाँ का रेलवे स्टेशन के अलग अलग से डंप ठाड़ के हमारे पास 3000 नंबर हो गए, और 3000 नंबर का एनालिसिस बीच में रोहतक और दिल्ली तक का एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सिर्फ थोड़ा समय लग जाता है। अगर ऐसे एक्टिवेट हो जाए हमारा, तो फिर आराम से ही चोरी ट्रेस होगी। अगर मान लो एक्टिवेट नंबर हो गए, हम राजस्थान तक के बॉम्बे तक के भी उठा लाते हैं, तो यहाँ का हमारे को क्या दिक्कत है? हमने अपने भाइयों को परेशान करके इकट्ठे हो बाजार बंद करें, थोड़ा ये चीजें हमारे ऊपर भी देखा, बाजार बंद करें तो हमारा ही नुकसान है जी, लेकिन क्या परेशान आदमी क्या करेगा? हम समझ गए आपकी बात को, समझते हैं। डीएसपी भी राउंड लगाता है और यहाँ भी घूमते हैं, और आप लोगों का कहना है कि पुलिस यानी कि घूमती रहती है, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं निकला है अभी तक, ना ही अभी चोरियों का क्लू निकला है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि बराबर 2 मिनट के यानी कि हम बराबर लगे हुए हैं, साइबर की टीम लगी हुई है, भगवान जाने ये कब चोरियां बरामद होंगी, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने शिकंजा कस रखा है, बराबर पेट्रोलिंग होती है, बराबर हमारी पीसीआर भी घूमती है, डीएसपी साहब भी सब ग्राउंड पर होते हैं उनको चेकिंग के लिए, जल्द ही देखते हैं कि पुलिस कब रिकवर करती है, कब चोरों पर चोरियों पर अंकुश लगा दिया जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कौन सो सकता है शहर में गाफिल के सिवा, नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा, नहीं है सलामत कोई कातिल के सिवा। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।